आज की वीडियो में हम जानेंगे जिन कोविड सिरप के बारे में कमजोरी थकान या फिर चक्कर आते हैं भूख बहुत कम लगती है इस तरह की बहुत सारी समस्या में फ़ायदेमंद होता है और इसके अंदर बहुत सारे विटामिनस और मिनरल्स ऐड किए गए हैं जो हमारे शरीर की लगभग सारी कमज़ोरी को दूर कर देते हैं और कौन सा विटामिन क्या काम करता है कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और इसकी डोज कैसे लेनी है इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं प्रिकेशंस प्राइज ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की नॉलेजबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं जिनको सिरप एपेक्स कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और 200 हंड्रेड एम एल का सिरप होता है जिसका एम आर पी के करीब होता है और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर सिरप है जो आपको सभी मेडिकल स्टोर पर ईज़िली मिल जाएगा और इसके अंदर बहुत सारे विटामिनस और मिनरल्स ऐड किए गए हैं जो इस सिरप को इफ़ेक्टिव बनाते हैं जैसे विटामिन ए विटामिन बी टू विटामिन बी थ्री और जिंक कॉपर आयोडीन इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे मल्टी विटामिनस ऐड किए गए हैं इसके बेनिफिट्स की बात की जाए तो जिनकोविड सिरप को शरीर की सभी तरह की कमज़ोरी को दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है जैसे शरीर में थकान हो जाती है कमज़ोरी आ जाती है चक्कर आने लगते हैं इस तरह की कंडीशन में जिनकोविट सिरप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कमजोरी की वजह से शरीर दुबला पतला है या फिर काम करते टाइम बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है तो ऐसे में जिनकोविट सिरप आप के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है ये सिरप शरीर में होने वाली न्यूट्रिशनल की कमी को काफ़ी अच्छे से पूरी करता है और शरीर को हेल्थी बनाता है शरीर को हेल्थी बनाने के लिए यह सिरप सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसमें ऐसे विटामिन और मिनरल्स ऐड किए गए हैं जो शरीर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट को काफ़ी अच्छे से पूरी करते हैं और शरीर को हेल्थी बनाते हैं वो लोग जिन्हें काम काज करने में परेशानी होती है कमज़ोरी सी शरीर में महसूस होती है या फिर किसी ऑपरेशन या फिर एक्सीडेंटल केस के बाद शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है तो उसमें आप इस सिरप को जरूर ट्राई करें जिनको भी सिरप शरीर की सारी कमज़ोरी को दूर करके शरीर को तेज़ी से रिकवर करता है और जिन लोगों को बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है खाने पीने को मन नहीं करता है उन लोगों के लिए भी जिनको भी सिरप बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है ये सिरप लीवर को ठीक करके भूख को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है जिससे हम अच्छी तरह से खाना पीना शुरू कर देते हैं अक्सर लोगों की यही शिकायत रहती है शरीर बहुत ज़्यादा दुबला पतला है चक्कर आते हैं थकान बहुत ज़्यादा शरीर में रहती है खाने पीने को मन नहीं करता है तो ऐसे में अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो ये आपकी सभी तरह की कमजोरी को भी दूर करेगा और भूख को बहुत अच्छे से खोल देगा और हेल्थ में भी सुधार देखने को मिलेगा इस सिरप से बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है काफ़ी अच्छा सिरप है आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हैं और जिनकोविड सिरप इम्यून सिस्टम को भी मज़बूत करता है जिससे जल्दी से हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं लगती और ये आर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है हेयर को प्रोमोट्स करता है बोन्स को मजबूत करता है जॉइंट को हेल्थी बनाता है और ब्लड को सही तरीके से कंट्रोल करता है और बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट को तो काफ़ी अच्छे से बूस्ट करता है कुल मिलाकर शरीर को हेल्थी बनाने के लिए ये काफ़ी अच्छा सप्लीमेंट है आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हैं तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स अब हम जान लेते हैं प्रीकेशन यानी सावधानियाँ अगर किसी पेशेंट को एलर्जी या फिर कोई प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फेडिंग लेडी है तो ऐसी कंडीशन में आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर ले और उसके बाद ही इस सिरप को यूज़ करें इसके अलावा इस सिरप को आप ओवर डोज में ना लें और गाइज किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी चेक कर लें तो ये थे इसके कुछ प्रिकेशनस अब हम जान लेते हैं कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में कॉमन साइड इफेक्ट की बात की जाए तो पेशेंट को वोमिटिंग डायरिया एपसेट स्टमक यानी पेशेंट को उल्टी लग सकती है या दस्त लग सकते हैं या फिर पेट में दर्द हो सकता है इस तरह का कॉमन साइड इफेक्ट कभी कभी एक आध पर्सन को आ जाता है और लास्ट में अब हम जान लेते हैं जिनकोविड सिरप की डोज के बारे में डोज की बात की जाए तो डोज इसकी बिल्कुल सिंपल है आप पाँच साल से ऊपर इसे आराम से ले सकते हैं पाँच से दस बारह साल तक एक एक चम्मच दिन में दो बार खाने के बाद ले सकते हैं और बारह साल से ऊपर दो दो ढककर दिन में दो टाइम ले सकते हैं और गाइस बाकी जो डोज होती है वो एक्यूरेट पेशेंट के हिसाब से दी जाती है उसका वज़न कितना है इस हिसाब से पेशेंट को डोज दी जाती है इसलिए आप डोज़ के बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करके यूज़ करें उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं